मैं हूं देवांशी बोलता। साल 2000 में टीम इंडिया में डेब्यू करने वाले युवराज सिंह का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। एक समय युवराज सिंह टीम इंडिया के सबसे चहेते खिलाड़ियों की लिस्ट में शुमार रहा करते थे। टीम इंडिया को 2007 और 2011 का विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले युवराज सिंह फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन अब एक बार फिर युवराज सिंह अपने संन्यास को लेकर चर्चाओं में। अब युवराज की मां ने उनके संन्यास को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। टीम इंडिया को T20 विश्व कप 2007 और विश्व कप 2011 जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले युवराज सिंह ने जून 2019 में अपने क्रिकेट करियर को अलविदा कहते हुए संन्यास का ऐलान कर दिया था। अब युवी की मां शबनम सिंह ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बताया कि इससे कोई भी खिलाड़ी नहीं बच सकता है। युवी की मां शबनम सिंह ने सोमवार को रिपब्लिक ऑफ मेडागास्कर की काउंसिलियर इकोनॉमी का सम्मान मिलने के बाद INS को दिए इंटरव्यू में बताया कि युवराज में बदलाव आना 1 या 1.5 साल पहले ही शुरू हो गया था और उसे पता था कि उसे इसे स्वीकार करना ही होगा। उसने बहुत सी चीजें की हैं जो वो अपने चैरिटी फाउंडेशन दूसरे खेलों के साथ बिजी रख रहे थे, जैसे गोल्फ, टेनिस। युवराज हमेशा से और अधिक खेलना चाहते थे, लेकिन अब वो संन्यास ले चुके हैं। ये हर क्रिकेटर के साथ होता है, ये कुछ नया नहीं है। वो खेलना चाहते थे लेकिन तब ऐसा नहीं था, लेकिन उन्होंने चीजों को स्वीकार किया और आगे बढ़ गए और अब वो बहुत खुश हैं। आपको बता दें, युवराज ने संन्यास के वक्त BCCI से विदेशी लीग खेलने के लिए NOC की मांग की थी। युवराज के योगदान को ध्यान में रखते हुए BCCI ने उन्हें विदेशी लीग खेलने की इजाजत दे दी। इसके बाद से अब युवी विदेशी लीग में खेलते नजर आते हैं। वैसे युवराज की मां से हर वो क्रिकेट प्रेमी सहमति रखेगा जो क्रिकेट को जानता होगा, जिसने युवराज को खेलते हुए देखा होगा। लेकिन जब तक युवराज टीम में रहे, उनका एक अलग रुतबा हुआ करता था। अब भले ही युवराज टीम के साथ नहीं है, लेकिन युवराज को उनके योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा, और खासकर 2011 के विश्व कप में उनकी भूमिका। युवराज के साथ साथ यहाँ BCCI की बात भी करना जरूरी हो जाती है। BCCI का फर्ज बनता है कि वो महान खिलाड़ियों को उनके योगदान के अनुरूप विदाई दे, न कि उन्हें दुत्कार दे। कैंसर जैसी बीमारी को मात देकर युवराज ने मैदान पर वापसी की थी। युवराज के अंदर अभी बहुत क्रिकेट बाकी था, और अगर चयनकर्ताओं को लगता था कि अब उनके अंदर क्रिकेट नहीं बचा है, तो उन्हें एक बेहतर विदाई दी जा सकती थी, जिसके वो हकदार भी थे।